श्री हरि शिव हरि श्री जगद्गुरु शिवात्मा शरणों में दीदी शव सुख संबदे यत मनोबलदान। उद्गमता अपने आप से होती है और कोई उद्गम कर नहीं सकता है। शिवात्मा रामदास श्री सदगुरु बता रहे हैं बार बार कि इस जगत में सभी मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो शरीर है जो मर रहा है, वो शरीर है मर रहा है, वो हमारा देह है जो पंच महाभूत तत्व से बना हुआ है। पंच महाभूत तत्व को बहुत गहनता से अध्ययन करने पर उस पांच प्रकृतियों में परिवर्तित हो जाती हैं पंच महाभूत तत्व। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी ये पांच तत्व हैं। इसके पांच ही प्रकृतियां हैं, इस वजह से कुल 25 प्रकृतियां हो जाती हैं। अब मृत्यु जो है इस 25 प्रकृतियों को वश करने से परे हैं, वो वश नहीं कर सकता इन पांच प्रकृतियों को जो इंडज पिंडज उष्मज और स्वेदज ने धारण की हैं। अग्नि जलवायु आकाश पृथ्वी ये पांच तत्व अगर वो जीव वश कर लें तो समझ लो उसका ये देह अमर हो जाता है। इसे वश करने का जो कार्य है वो गुरु महाराज बार बार समझा रहे हैं और उन्होंने इस देह आत्मा शिवात्मा रामदास को समझाया है। गुरु ने अपना नाम स्वयं प्रदान किया है, जो स्वयं शिवात्मा रामदास अपना स्वरूप प्रदान करते, परंतु इस मृत्यु लोक में अभी भी अनभिज्ञ वो लोग हैं जो ज्ञान होते होते भी अज्ञानी हैं, जानते हुए भी अनजान हैं, देख रहे हैं परंतु फिर भी वो अपने आप को अपने मन को अपने काया को वश नहीं कर सकते हैं। ये बार बार बताया गया है कि मनुष्य देह नहीं परंतु इस सृष्टि का कोई भी जीव इन पांच प्रकृतियों से 25 प्रकृतियों में परिवर्तित होता है। और ये पांच तत्व जब 25 प्रकृतियां बन जाते हैं तो उसके अंदर जीव के चेतना स्थिर होते हैं और वो स्थिर तब होती हैं जब उसे आत्मा की ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी जो एक पिंड के स्वरूप में थी बड़ी ही अग्नि की तरह धधक रही थी, परंतु जैसे जैसे ये जल अग्नि प्रकाश सूर्य की वायु इसके संसर्ग में आया, इसका सम्मेलन हुआ, इसे प्राप्त किया, तब जाके इस पृथ्वी से अंकुर बीज जैसे वनस्पति घास पुष्प फल
मानव शरीर बीच और इसी प्रकार की ये सृष्टि धीरे धीरे विकसित होती रही। अब जीवों की जो माया है बड़ी विचलित हुआ करती हैं, समय समय के अनुसार वो शक्तियाँ, वो बल, वो ज्ञान, वो विवेक, वो मनो के ऊपर आधिपत्य करने की क्षमता को खत्म करता रहता है। इसे ही युग परिवर्तन कहते हैं। जीवन काल में हमने बहुत कुछ देखा है, बहुत से जन्म होते हुए देखे हैं, बहुतों को मरते हुए देखा है और बहुतों को आनंदित होते देखा है और बहुतों को दुखी होते देखा है और बहुतों को सम अस्त जिसका अस्त भी सम हो गया हो और जो अंत हैं वो सम हो गया है और अंत हैं सम वो अंत हो गया है जिसका, ऐसे व्यक्तियों को देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा, परंतु फिर भी हम तो उस माया के वशीभूत हुए जो शरीर को सुख प्रदान करती हैं, शरीर को आनंद प्रदान करती हैं। मुझे कामना हुई उत्तम भोजन की तो मैंने वो प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया और अच्छा उत्तम भोजन प्राप्त करने लगा। मुझे इच्छा हुई काम वासना की तो मैंने अपने योग्यता अनुसार अपने सम्यक परिवर्तित को ढूंढने का प्रयत्न किया। इस सृष्टि के अंदर जो बलवान हैं उसे सब वरते हैं, ध्यान रहे, बलवान को सब वरते हैं और निर्बल का कौन सहारा, तो कि दीन दयाल की शरण में जावे तो दीन दयाला, नहीं तो वो कर्मों का मारा। परंतु ये भी ध्यान रखना है, बलवान भी ईश्वर की ही शरणागति से ही वो बल, बुद्धि, ज्ञान, विवेक को पा सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि वो कर्मों के फल को प्रदान करने वाला है। तो ऐसे देख रहा हूँ मैं इस जगत के अंदर कि लोग काफ़ी दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, अति दुखी होते होते इतने दुखी हो गए हैं कि वो अपना हौसी खो बैठे हैं और बार बार समझा रहे हैं परंतु वो समझ नहीं आ रहा है उनको कि ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं समझ में आए। क्योंकि शरीर माया अभी हमने व्याप्त की हुई है, हमें खाना खाना, भोजन करना, सेक्स करना, सोना, देखना, अपना अपनी प्रशंसा को सुनना, अपना मान बढ़ाना, अपना बहुमूल्य समझना और अपने इस शरीर के सुख के लिए हम अपने माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पत्नी इत्यादियों को भी प्रताड़ित करते रहते हैं। वो शरीर सुख है किस बात का, वो शरीर सुख किस चित्त अहंकार को ले जाता है अपने तरफ, ये शरीर सुख की अहंकारता को समझना है। हमें जो भोजन करना है तो सात्विक आहार का ध्यान रखना है, हमें जो वर्तन करना है वो विवेक पूर्ण करना है, हमें जल पीना है तो साफ शुद्ध साफ करके पीना है। ये फिल्टर विल्टर करके जो दे रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि जिसमें उस पानी के तत्व भी नाश हो जाते हैं,
अब वो मिनरल्स जब उसमें से ख़त्म हो जाएंगे तो क्या होगा, वो पानी नहीं रहेगा। इसीलिए वो भी समझाया गया है, वो भी ज्ञान दिया गया है। अब इस तरह से इस पृथ्वी तत्व को बलवान करने के लिए, हमारे देह को पृथ्वी तत्व बल प्रदान करने की जो शक्ति जिस तत्व में ज़्यादा है वो देनी है। हमें शरीर के अंदर वो अग्नि डाल को यानी अग्नि के अंदर जो आहुति आती है वो सात्विक हो, सात्विक होगी तो उसमें से सात्विक प्रज्वलता उत्पन्न होगी। इसीलिए ब्राह्मणों को बार बार यही बार सुनते कहते वार्तालाप करते देखा है कि हम अभक्ष्य भोजन नहीं करते हैं। अब जब अभक्ष्य भोजन नहीं करेंगे तो वो बुद्धि ज्ञान विवेक सात्विक ही होना है, वो अंदर की शक्ति सात्विक ही होनी है, वो अंदर का बल सात्विक ही होना है, वो अंदर का ज्ञान सात्विक ही होना है, वो अंदर से वर्तन सात्विक ही होना है। परंतु तामसी भोजन करने से इस देह के अंदर तामस उत्पन्न होता है और वो कामनाओं को जगाता है। इसके सिवा और कुछ है ही नहीं। भोजन के अंदर दो तत्व को प्राप्त कर लिया, सात्विक और अभक्ष्य यानी असात्विक भोजन, जिसमें इस शरीर सिवाय ये जो शरीर किसका बना हुआ है, ये शरीर बना हुआ है घास पत्तियों का, बेल पुष्पों का, जल का, पृथ्वी का, जो मिट्टी का कण है उसका, वायु का, अग्नि का, जो अग्नि इसमें प्रज्वलित रहते हैं उसका बना हुआ है। अब उसे हम वश कैसे करें, वो वश करने के लिए हमें अपने आप को जागरूकता अवस्था में ले जाना होगा और जागरूक होते ही हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। सोए सोए प्राप्त नहीं हो सकता, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, बार बार ध्यान दे रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ कि तुम मुझे इस तरह से सुनते रहोगे तो खुद को पहचान पाओगे। तुम ये सोचोगे कि सिर्फ मुझे एक बार सुनने से तुम खुद को जान पाओगे, नहीं हो सकता ये, क्योंकि इसका अभ्यास करना पड़ता है। और जब तक तुम अभ्यास नहीं करोगे तुम स्वयं को कैसे पा सकोगे। अभी ईश्वर ने तुम्हें वो समय दिया है, जो कोरोना का अभी काल रूप तुम देख रहे हो उसे कहते हैं मृत्यु, और मृत्यु को तुम देख रहे हो तो उस मृत्यु को जीतने के लिए जो गुरु महाराज ने बताया है उसका ध्यान करो, उसका स्मरण करो, उसका ज्ञान लो, उससे विवेक और बुद्धि से तुम उसका अनुकरण करो तो तुम्हें अनुभव होगा। और कुछ समझना है, सोचना है, देखना है, विचारना है, वो स्वयं के अंदर से ही देखना है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर जो देखने जा रहे हो वो तुम्हें बाहर की भीतर की दृष्टि नहीं करवाएगा, बाहर की दुनिया दिखाएगा। और बाहर की दुनिया दुखी है, बाहर दुख है, भीतर आनंद है। भीतर जाओ, भीतर से देखो, भीतर पहुंचो। भीतर कहां से जाना है वो मार्ग गुरु महाराज बता रहे हैं, वो प्रदत्त कर रहे हैं, आगे भी प्रदत्त किया है, परंतु तुम उसे सुनो, समझो, ज्ञान लो, विवेक लो, बुद्धि लो, और विवेक से तुम उसे अपनाओगे तो इस दुनिया की मृत्यु तक को तुम जीत सकते हो। पर वहाँ तक सक्षम होने के लिए तुम्हें खुद को उतना बल प्रदान करना होगा, खुद उतनी अभ्यास करना होगा। अभ्यास करो, अनुभव करो, और अनुकरण करोगे तो ही अनुभव होगा। अभ्यास करना महत्व की बात है। अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। हरिओम शिवरी शिवात्मा राम शिवा।